उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बड़ी खबर, राष्ट्रीय युवा मोर्चा भारत का गठन किया गया। उमेश चंद्र सैनी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। उमेश चंद्र सैनी ने कहा, हमारा संगठन 2024 के चुनाव में भाजपा को सपोर्ट करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश चंद्र सैनी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया अनूप बाथम उर्फ राजा भैया को। संगठन चाणक के अनूप बाथम भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री रह चुके हैं। कन्नौज से अनूप बाथम की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की रही। अनूप बाथम अमला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के करीबी हैं। अनूप बाथम ने 2022 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार किया। अनूप बाथम ने कन्नौज के त्रिवा विधायक कैलाश सिंह राजपूत के लिए चुनाव में बहुत मेहनत की और उनको जिता करके लखनऊ भेजने का कार्य किया। वहीं बताया जाता है कि अनूप बाथम के साथ 2022 के चुनाव में त्रिवा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता आंसू के साथ में बहुत बहस हुई थी। कहा था कि कैलाश राजपूत जी को हराकर वे त्रिवा से रहेंगे, तो अनूप बाथम बोले, त्रिवा से किसी की हिम्मत नहीं कैलाश राजपूत जी को हरा कर दिखा दे। अनूप बाथम ने कहा, हम उनको जिता करके लखनऊ भेजेंगे। इसी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनूप बाथम। अनूप जी, बताइए आपका संगठन 2024 में चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहा है? इस बात पे अनूप जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ये कोई बात हुई कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। लगातार हम लोग 2014 से, 2017 से, 2019 से, 2022 से और 2024 में भी उनको भाजपा के लिए काम करेंगे। लगातार भाजपा के लिए हमारा पूरा संगठन काम करते आया है और आने वाले चुनाव 2027 में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण 2024 का चुनाव ही नहीं, 2022-27 का भी चुनाव है हमारे लिए। हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं। और रही बात ये गठबंधन ठगबंधन हो रहा है, 2024 के चुनाव में देख लीजिएगा, अपनी अपनी फिर बोरियां बिस्तरा लेकर के यहाँ से भागने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी हरा नहीं सकता है और उत्तर प्रदेश और भारत की जनता हर चीज़ समझ चुकी है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी दल का नेता हो, हर चीज़ साल ये लोग ठगबंधन किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं अपने किए हैं इन्होंने, गरीबों के ऊपर ज़मीनों पर कब्जा किए हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश दलदल में फंसा हुआ था, आज योगी आदित्यनाथ जी ने उस दलदल से प्रदेश को उभारा है। एक कमल जैसा हमारा प्रदेश खिला हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीटें जिताकर नरेंद्र भाई मोदी जी को जिताकर तीसरी बार दिल्ली भेजने का कार्य हो रहा है और 80 की 80 सीटें जीतने जा रही हैं। नरेंद्र भाई फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।